ना कोई हिंदू है ना कोई मुस्लिम है, अगर है भी तो सबके सब हिंदुस्तानी। विकास के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए हमको बार बार पलटना पड़ेगा, तो हम बार बार पलटेंगे और वैसे लोगों को जो पटकनी भी देंगे। नमस्कार, मैं हूं श्रुति और आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। इस वक्त हम लोग पटना में हैं और आपको बता दें कि आज महागठबंधन की सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होना था। ऐसे में जो सरकार बनी है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, उसमें 5 जो मंत्री बने हैं वो मुस्लिम समुदाय से बने हैं। ऐसे में मुस्लिम समुदाय के लोग कितने खुश हैं और क्या कुछ उनके मन में अभी चल रहा है, हम लोग वो जानने का प्रयास करेंगे। तो मुस्लिम समुदाय से अभी 5 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए, कैसा लग रहा है? देखिए, ये तो खुशी का मौका है। अगर कोई मुस्लिम समुदाय से नेतृत्व अगर करेगा तो जो है खुशी का मौका है और हम लोग खुश भी हैं अंदर से। और भविष्य में मैं ये चाहता हूँ कि और भी वैसे जो है मुस्लिम बहुत सारे हैं जो जीत के आए हैं महागठबंधन से, उनको भी मौका मिले। कितनी खुशी हो रही है 5 जो मुस्लिम मंत्री है वो मंत्रिमंडल में शामिल? देखिए, पहले तो जमा खान साहब जो अल्पसंख्यक के मंत्री थे, उनको जो है बाकायदा उनको रखा गया उसी में, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है। और 4 जो नए भी जो भी साथी बने हैं गठबंधन के, उसमें यह है कि सबको मौका मिला है, सब जो है समाज के लिए काम करेंगे, सारे समुदाय के लिए काम करेंगे। कोई ऐसा समुदाय नहीं है जो कि वंचित हो माननीय मुख्यमंत्री के कामों से। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद काम करने वाले हैं और वो इस तरीके से काम करते हैं कि वो सर्वधर्म सर्वजात संभाव को देखते हुए, स्थापित करते हुए, समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को स्थापित करते हुए विकास करते हैं और उसमें कोई ऐसा समुदाय वंचित नहीं है जिनके लिए उन्होंने काम नहीं किया। महागठबंधन की सरकार बनी है तो वो सरकार से अब उम्मीद है कि विकास होगी? निश्चित तौर पर होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री इससे पहले भी अगर जो है NDA के में थे तो उसमें भी उन्होंने काम करके दिखाया है, और अभी महागठबंधन में है तो महागठबंधन में भी जो है वो काम करके दिखाएंगे और मजबूती के साथ काम करके दिखाएंगे। क्योंकि इसमें जो भी आए हैं वो सब के सब उनके समाजवाद सोच विचारधारा के सब आए हैं, और समाजवाद को जिंदा करने के लिए हम लोग भी जो है तत्पर हैं और कोशिश करते हैं कि सारे समुदाय में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। न कोई हिंदू है न कोई मुस्लिम है, अगर है भी तो सबके सब हिंदुस्तानी हैं। विकास के लिए, उनके सुख समृद्धि के लिए हमको बार बार पलटना पड़ेगा, तो हम बार बार पलटेंगे और वैसे लोगों को जो पटकनी भी देंगे, पलटेंगे भी या पटकनी भी देंगे, क्योंकि हमको समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण कायम करके रखना है, सुख समृद्धि लाना है, बिहार को आगे की ओर बढ़ाना है। और बिहार तो जानते हैं कि किस तरीके से अभी 15-16-17 सालों में जो आगे बढ़ा है। कितनी अलग उम्मीद है कि अब जो ये जो नई मंत्रिमंडल गठन हुआ है और जो नई सरकार आई है वो बिहार में जो भी कमी थी वो पूरी कर पाएगी? कर पाएगी, जो जो वादा किया करेगा। और भी लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो नई सरकार है ये खुश है, आप ये बता दें? हाँ हाँ हाँ, बहुत खुश है। कितने खुश हैं? बहुत खुश हैं, ठीक है। जो महागठबंधन की सरकार है ये उससे विकास की उम्मीदें ज्यादा है या जो NDA की सरकार थी उससे? नहीं, ये जो आई है महागठबंधन की सरकार, इसमें उम्मीद है सब कुछ बहुत अच्छा होगा, विकास होगा, हर चीज होगा, नौकरी मिलेगी। मुस्लिम समुदाय से 5 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं तो इस बात को लेकर कितनी खुशी है? मुस्लिम हैं, हुए हैं तो ठीक है, अच्छी बात है। और भी कुछ लोग से बात करते हैं। मुस्लिम समुदाय के 5 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है, बहुत अच्छा है। और ज्यादा लोगों को मंत्री बनाया जाता तो और ज्यादा खुशी होती, मतलब और लोगों को मंत्री बनाया। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। महागठबंधन से कितनी उम्मीद है? उम्मीद तो बहुत है, अब देखिए क्या होता है आगे। तो आपने देखा कि कैसे मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उनमें तमाम जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के 5 लोग मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं उनको इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और कुछ लोगों का कहना है कि अगर कुछ लोग और ऐड होते, कुछ लोग और मंत्रिमंडल में शामिल होते तो और ज़्यादा खुशी होती। इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक करें। धन्यवाद।